हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉर्मलाइजेशन का एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन के तीन मेथड्स दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, ये आपका डेटा दिया गया है मार्क्स का, इसको आपको क्या करना है, नॉर्मलाइज्ड करना है। आइए चले देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। वैल्यूज आपकी क्या है, 8, 10, 15 एंड 20, इसको आपको क्या करना है, नॉर्मलाइज्ड करना है। यहाँ पे आपको जो रेंज दी गई है, मिनिमम जो है, न्यू रेंज जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है आपका 0, और मैक्सिमम रेंज कितनी दी है, 1। अब हमें इनके ही बीच में 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन को क्या करना है, प्लॉट करना है। अब फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या आती है, 8। हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है वी डैश न्यू वैल्यू, वी मतलब जिस वैल्यू के लिए आप प्लॉट कर रहे हो, मिनिमम मार्क्स इस पूरे जो डेटा में, ये जो आपका पूरा डेटा दिया गया था 8, 10, 15, 20 मार्क्स का, उसमें से जो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स कौन से हैं इसके 8, और इसमें क्या है जो मैक्सिमम मार्क्स कौन से हैं 20। न्यू मैक्सिमम मतलब ये जो रेंज है, रेंज हमने कौन सी डिसाइड करी थी, मैक्सिमम 1, और न्यू मिनिमम हमने कौन सी रेंज डिसाइड करी थी, 0 प्लस न्यू मिनिमम, ये इसका फॉर्मूला है। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट में लिख दिया है कि हमारे पास डेटा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें कौन से हैं 20, मैक्सिमम मार्क्स कौन से 20, मिनिमम कौन से हैं 8, आपका जो मैक्सिमम रेंज है इसमें जो दी गई है वो 1, और जो मिनिमम रेंज है वो कितनी है 0। अब मैं इस डेटा को इसमें क्या कर देती हूँ, फ्रेम कर देती हूँ। फ्रेम कैसे करूंगी, पहले मैं डेटा जो मार्क्स 8 हैं उसको मैं क्या करती हूँ, नॉर्मलाइज्ड करूंगी। कैसे करेंगे, 8 जिस वैल्यू को हम नॉर्मलाइज्ड कर रहे हैं, माइनस मिनिमम मार्क्स कितना है हमारा 8, अपॉन मैक्सिमम मार्क्स कितना है 20, मिनिमम कितना है 8, ये क्या है रेंजेस, 1 - 0, मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस मिनिमम। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0। अब फॉर 8 के लिए जो नॉर्मलाइज्ड हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है, 0। अब हम किसके लिए करेंगे, 10 के लिए करेंगे। 10 के लिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है हमारा। यहाँ पे जो वैल्यू है किस, कौन सी वैल्यू के लिए कर रहे हैं हम, 10 के लिए, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। फिर जो मिनिमम मार्क्स है, ये आपको डेटा पूरा गिवन है, ये मैंने यहाँ पे क्या, मिनिमम मार्क्स क्या है 8, मैक्सिमम मार्क्स क्या है आपका 20, मिनिमम मार्क्स फिर से क्या है 8, और ये आपकी रेंजेस हैं प्लस 0 मतलब मिनिमम रेंज। फिर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आया 0.16। इसी तरह से सिमिलर प्रोसेस से अब 15 और 20 को क्या कर लोगे, नॉर्मलाइज्ड। इसका जो आपका आंसर आएगा नॉर्मलाइजेशन का, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन का, 8 वैल्यू को नॉर्मलाइज्ड करके कितना आया, 0। आपकी जो मार्क्स की जो वैल्यू 10 थी उसको नॉर्मलाइज्ड करके 0.16 आया। नेक्स्ट आपका क्या था, 15 को नॉर्मलाइज्ड करके आया 0.58, एंड आपका 20 को नॉर्मलाइज्ड करके क्या आया, 1। ये आपका 0 से 1 तक की रेंज आपने डिसाइड की थी और उसमें ये डेटा आपका क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड हो गया। आपका नेक्स्ट है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। इसमें ये इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपका जो जो वैल्यू है जो आपको क्या करनी है, नॉर्मलाइज्ड, ये आपका क्या है, न्यू वैल्यू। अब इसका पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख देते हैं कि कैसे निकालते हैं। ये आपका मीन हो गया, मीन सभी को पता है कैसे निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं कि जो भी आपकी सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या मार्क्स अपॉन, आपका यहाँ पे मार्क्स का डेटा दिया हुआ है तो मैंने मार्क्स बोला है, अपॉन जितने भी आपके क्या है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे मैं डेटा लिख देती हूँ, 8, 10, 15 और 20 डेटा थे आपके जो मार्क्स के थे, तो यहाँ पे मेरा मीन निकला 13.25। अब यहाँ पे क्या है, ए क्या है आपकी, ये पूरी जो एवरी इंडिविजुअल वैल्यू है मार्क्स की उसमें से हम क्या कर देंगे, मीन में को माइनस कर देंगे अपॉन एन। एन कितना है हमारा, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4। सेम मैंने यहाँ पे कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे क्या करा, 8 को मैंने माइनस करा है मीन से, ये जैसे आपका फॉर्मूला में शो हो रहा है, अपॉन नहीं है, फिर मैं क्या करूंगी इसको प्लस, फिर सेम 10 माइनस मीन जितना भी आपका मीन है स्क्वायर, प्लस 15 माइनस मीन स्क्वायर, प्लस 20 माइनस मीन स्क्वायर, अपॉन में आपका कितने थे टोटल नंबर, एन 4।
नेक्स्ट आपका जब आपका कैलकुलेट करोगे तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो कितना होगा 4.6. अब आप क्या करोगे, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन लगाओगे. कैसे लगाओगे जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, आप 8 के लिए कर रहे हो तो आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला. इसमें क्या है, आप 8 के लिए कर रहे हो तो वी की जो वी मैंने बताया था ओल्ड वैल्यू, यहाँ पे आपके आ गया 8 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई ये. सेम हमने क्या करा है इसके लिए, सबके लिए करा है. फॉर 10 की वैल्यू यहां पर आ गई, 15 की वैल्यू यहां पर आ गई, 20 की वैल्यू यहां पर आ गई. अब जो हमारा नॉर्मलाइज डेटा आया है वो ये आया है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन. आपका नेक्स्ट आता है डेसिमल स्केलिंग. डेसिमल स्केलिंग में आपका ये वाला फॉर्मूला है, ये आपका ओल्ड वैल्यू हो गया जिसको आपको नॉर्मलाइज करना है, और ये आपकी क्या हो गई न्यू वैल्यू. अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जे आपका क्या है स्मॉलेस्ट इंटीजर, क्या है ये आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर. अब यहाँ पे आपको जो डेटा दिया गया था मार्क्स का वो ये रहा. अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ पे मैक्सिमम ये जो डिजिट्स हैं ये कितनी है, 2 है, तो जे हमारा क्या हो गया 2. तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 10 की पावर जे है तो 10 की पावर 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 100, और वी आपका ओल्ड वैल्यू था, आपको सपोज किसके लिए करना था 8 के लिए. सबसे पहले 8 डेटा हमारा 8 था मार्क्स, उसको आप क्या करोगे 8 अपॉन 10 की पावर 2 कितना है 100, तो यहाँ पे क्या है 100, आंसर क्या है 0.08. ऐसे मैंने ये सारे करे हैं. अगर सपोज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जी की वैल्यू फिक्स होगी, चेंज होती रहती है. सपोज यहाँ पे मेरे पास मार्क्स आते 500, तो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम डिजिट कितनी है मेरे पास 3, मैक्सिमम डिजिट 500 वाली क्या है 3, तो मैं क्या लिखूंगी 10 की पावर j इक्वल्स टू 10 की पावर j क्या हो गया अब हमारा 1, 2, 3, 3. तो अब यहाँ पे क्या आ गया 1000. अगर यही सेम डेटा होगा तो मैं इसको नॉर्मलाइज कैसे करूंगी 8 अपॉन 1000, तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.008. क्लियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.